हाय गाइस, दिस इज़ अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। गाइस, ये मैं एक नई वीडियो प्लेलिस्ट या वीडियो सीरीज़ कह लो शुरू कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से फोकस करेगी IPsec VPN इस टॉपिक पे। ये पूरी सीरीज़ होगी हिंदी में। तो गाइस, इस वीडियो सीरीज़ में हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि चैप्टर नंबर 1 to 7 और फिर बाद में कुछ बोनस चैप्टर्स भी होंगे। गाइस, IPsec VPN ये टॉपिक एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करोगे तो। तो हम इस पूरे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और हर एक चैप्टर के लिए एक अलग से वीडियो होगा। तो गाइस, सबसे पहला चैप्टर होगा VPN। तो इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे कि VPNs क्या है और वाई वी नीड VPN, VPN की ज़रूरत क्या है, ठीक है, और VPN किस तरह से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा की सिक्योरिटी विच इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड एज वेल एज हाउ IPsec VPN एक्चुअली हेल्प्स टू सेव सम मनी। सो कैसे कॉस्ट कंपनी के कोई भी एंटरप्राइज नेटवर्क की कॉस्ट कैसे बचाता है व्हेन द कंपनी हैव नंबर ऑफ ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि IPsec क्या है। गाइस, जैसे VPN ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इस वीडियो प्लेलिस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ IPsec VPN पे फोकस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि IPsec VPN के फीचर्स क्या है, ठीक है, जो पॉसिबल कराते हैं कि डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए जो सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव हो रहा है ओवर सम पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 चैप्टर्स हैं ना गाइस, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये तीनों चैप्टर्स एक्चुअली फोकस करेंगे टर्मिनोलॉजीज पे, ठीक है, जो IPsec VPNs में आप देखोगे। अगर आपने IPsec VPN काम पे अगर आपने काम किया हुआ है तो आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, जैसे एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैशिंग, ऑथेंटिकेशन, PSK, MD5, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव की जाती है, इंटीग्रिटी अचीव की जाती है, तो ये सारे काफ़ी सारे टर्म्स है। तो इसके लिए मैंने इसमें इस सीरीज़ में 3 अलग अलग वीडियोज बनाएंगे जो फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पे और जो बनाएंगे फाउंडेशन ऑफ IPsec VPN का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है IPsec VPN के, ऐसे क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स है IPsec VPN के जो IPsec VPN को ये पॉसिबल कराते हैं कि वो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। हम ये भी देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में कि क्या मोड्स होते हैं IPsec VPN के जिसमें हम IPsec VPNs को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके, और क्या सिनारियों में क्या मोड में इम्प्लीमेंट करना चाहिए IPsec VPN को। चैप्टर नंबर 7 गाइज, ये चैप्टर जो है ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है बिकॉज इसमें हम IPsec VPNs के ऑपरेशंस पढ़ेंगे और कॉन्फ़िगरेशंस को भी देखेंगे। तो ऑपरेशंस बेसिकली इसमें हम देखेंगे IPsec VPN कैसे फॉर्म होता है, IK फेज़ 1 क्या होता है, फेज़ 2 कैसे बनता है, और क्यों ज़रूरी है फेज़ 2 बनने से पहला फेज़ 1 बन जाए, या फिर कि उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो ये सब हम उस ऑपरेशंस वाले चैप्टर्स में देखेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, हम एक लैब करके देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे IPsec VPN फॉर्म होता है। उसके बाद मैं कुछ बोनस चैप्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा धीरे धीरे। बोनस चैप्टर्स का मतलब ये है कि थोड़ा और कुछ कॉन्फ़िगरेशन में स्टफ़ डालूँगा, थोड़े और कुछ एडवांस टॉपिक्स IPsec VPN रिलेटेड उसमें इंक्लूड करूँगा। ट्रबल शूटिंग ऑफ IPsec VPN इंक्लूड करूँगा, जो नॉर्मल सिनारियों में IPsec VPN कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी आइडिया दूंगा। सो सारे मैं धीरे धीरे बोनस चैप्टर्स में एक एक करके अपलोड करता जाऊँगा। तो गाइस, अगर आप ये पूरी वीडियो सीरीज़ में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं,
तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझको सिर्फ amar.techstuff@gmail.com पे इस पर एक सिंपल से एक मेल डाल दीजिए, मैं आपको ये सारे नोट्स ईमेल कर दूंगा। या फिर आप amartechstuff.blogspot.com पे विजिट करिए इस लिंक पे, और आपको मैं जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे बनाता हूँ तो मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि उसका उसके रिलेटेड जितना भी मटेरियल हो वो मैं इस ब्लॉगस्पॉट पे अपलोड कर देता हूँ। मैं आपको ये चलिए ब्लॉगस्पॉट दिखाता हूँ। गाइज ये है ब्लॉगस्पॉट amartechstuff.blogspot.com। तो गाइज आप अगर अभी इस ब्लॉगस्पॉट को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं, और जैसे अभी जैसे ये एक टॉपिक है आईपीसेक वीपीएन चैप्टर नंबर 6 कंपोनेंट्स एंड मोड्स ऑफ आईपीसेक वीपीएन, तो इसके रिलेटेड मैंने नोट्स इस पे अपलोड करके रखे हुए। अगर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये चैप्टर है टर्मोलॉजी 3 पे, ये चैप्टर्स है कॉन्फ़िगरेशन पे कि कैसे आईपीसेक वीपीएन को कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, तो ये सारा स्टफ़ आपको मेरे इस ब्लॉग स्पॉट पे मिल जाएगा। और अलग अलग वीडियो जो मैं अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब पे उसके भी आपको इस पे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो ये भी सारा मटेरियल आपको इस साइट पे मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके क्वेश्चंस भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और इस पे आपको मेरे मेरा यूट्यूब का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा, मेरे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी इस पे आपको मिल जाएगा। सो गाइज ये जो वीडियो सीरीज है ये पूरी तरह से आईपीसेक वीपीएन पे सिर्फ फोकस करेगी, तो ये वीडियो सीरीज उसके लिए है जिसे आईपीसेक वीपीएन का बेसिक्स पता है या कुछ बेसिक्स भी पता नहीं है, तो उसके लिए भी ये वीडियो सीरीज है। या फिर उसके लिए भी है जिसको थोड़ा क्लियरिटी नहीं है आईपीसेक वीपीएन का, तो उसके लिए भी ये वीडियो सीरीज है। तो गाइज मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज आने वाली ये वीडियो सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं चैप्टर में 1.1 में, वीपीएन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।